मंडी दे विच वड़न लगे जी, सवेरे पहला एंट्री मंगदे आ जी, बिना कोई पर्ची नहीं है, कोई लैनी नहीं देनी नहीं है, जिन्हें पैसे देते उहदी गड्डी अंदर, जिन्हें ना पैसे दिते बाहर खड़ा रहिंदा जी। मुड़ के चार दिन इत्थे व्यापारी तां माल ना बिकूगा जी, असीं इत्थे खड़े की करांगे जी, दसो इन्हां दा हल करो जी, कोई व्यापारियां इहदे सारे साडियां गड्डियां चलनियां जी। आत्महत्या करने का मन कर रहा है और मरना ही पड़ेगा जिस माहौल रहा तो, घर पे जाओ जैसे किस किस मुँह से घर पे जाओ, 2 लाख 4 लाख कमाने के आस में आते हैं, यहाँ तो साल 10-12 लाख नुकसान करके बैठे हैं, आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना प्रशासन सुनवाई कर रहा। जब देखो बात तो सब तक पहुँच ही रही, सबको मंडी का हाल पता ही है, जिनकी चल रही है उनकी गाड़ी अंदर आ रही है बाहर जा रही है, जिनकी नहीं चल रही है वो बेचारे सब बैठे हैं, स्टोर वाले की गाड़ी सबकी अंदर आ रही है। गेट पर क्या कहते हैं, गेट वाले कहते हैं, गेट वाले बोलते हैं जी पुलिस वाले से बात करो, पुलिस वाले बोलते हैं, मंडी वाले से बात करो, मंडी वाले बोलते हैं, चेयरमैन से बात करो, चेयरमैन बोलते हैं, उनसे बात करो, किससे बात करें जी। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ 4-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ 4-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਵਿਕੂਗਾ, ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਾੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਉੱਗ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਨਾ ਵਿਕੂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮਾਲ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹਮ ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਫੇਂਕ ਰਹੇ, ਗਾਡੀਆਂ ਹਮਾਰੀ ਗੇਟ ਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਪੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਜ ਇਸਕੋ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਸਕੋ ਅਕਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੇਚਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸੜ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਕਹਾਂ ਜਾਏਂਗੇ। कम से कम इतना नुकसान पहले भी हो चुका है, उसको कवर करना छोड़ो, अब तो और मंगवा रहे गाड़ी, उसमें तो और ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है, पीछे एग्रीमेंट हुआ है उसको भी कोई पूर्ति नहीं हो रही, जाए तो जाएगा, आत्महत्या करने का मन कर रहा है और मरना ही पड़ेगा जिस माहौल रहा तो, घर पे जाओ जैसे किस किस मुँह से घर पे जाओ, 2 लाख 4 लाख कमाने के आस में आते हैं, यहाँ तो साल 10-12 लाख नुकसान करके बैठे हैं, आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना प्रशासन सुनवाई कर रहा। पूरे आरती का कितना नुकसान होता होगा रोज का मंडी में? रोज भाई साहब हर आरती का कम से कम 40-50 हज़ार लाख, सब जो बड़ा आरती है उसका 1-1.5 लाख नुकसान है, छोटा आरती का 40-50 हज़ार का नुकसान है, नुकसान सबका है, आरती का बेचारे मजदूर मर गए सब। जिला प्रशासन तक आपने बात पहुँचाई है क्या? जिला प्रशासन की जब देखो बात तो सब तक पहुँच ही रही, सबको मंडी का हाल पता ही है, जिनकी चल रही है उनकी गाड़ी अंदर आ रही है बाहर जा रही है, जिनकी नहीं चल रही है वो बेचारे सब बैठे हैं, स्टोर वाले की गाड़ी सबकी अंदर आ रही है। गेट पर क्या कहते हैं, गेट वाले कहते हैं, गेट वाले बोलते हैं जी पुलिस वाले से बात करो, पुलिस वाले बोलते हैं, मंडी वाले से बात करो, मंडी वाले बोलते हैं, चेयरमैन से बात करो, चेयरमैन बोलते हैं, उनसे बात करो, किससे बात करें जी। गड्डियां मंगाते हैं, व्यापारी गड्डी भेजता है, भरोसे पे गड्डी भेजता है, चलो मेरा माल बिक जाएगा, अगले का माल बिकने दिया, देखो जी सड़ता जा रहा है माल और फिकता जा रहा है, गाय खाती जा रही है, जो जानवरों को ले जाने वाले टेम्पू भर भर के जानवरों को खिलाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो खाली गड्डियाँ हैं पपीते वास्ते DMO मैडम ने हमें पास दिते ही बना के सारे 8 दिनों के पपीते को कोई नहीं रोकूगा, इस करके कि पपीता पानी है और रुक नहीं सकता, तो तरबूज हूँ रोज़े रमजान चलते पे जी, जब ग्राहकों को भी नहीं मिलेगा वो रोज़े कितों खुलेंगे जी, ये प्रशासन को भी सोचना चाहिए, ये साड़ी गड्डी जी है खाली बाहर से अंदरों नहीं आती, अंदर तो अंदर आ भी जाए तो बाहर नहीं जाती, माल भर के सारा माल इतनी सड़ता जी। ये मामला गेट के बीच कहें जी पास लाओ जी गड्डी का, परची लाओ जी, हूँ साढ़े को गड्डी अपनी थोड़ी है जी, असी सारी गड्डी का पास बनवाइए जी, हूँ ड्राइवर को फोन कर दे, जेडे मर्जी हो आ जाता, जिन्हें मर्जी नहीं है वो नहीं आता, हूँ की करिए दसो। DC साहब को की कहूँगा तुम्हें लुधियाना? DC साहब को तो मैं यही कहना चाहना जी, DC साहब को अपनी ये बिनती है कि हाथ जोड़ के कि अपना जितना भी प्रशासन भाईचारा है वो तो साढ़े नाल खड़ा है, जेडे गेट से मुलाजिम बैठे वो भी साढ़े नाल है, जेडे गेट से दूजे मुंडे वो गुंडागर्दी कर देंगे, ना गड्डी अंदर जान देंगे ना बाहर जान देंगे, उन्होंने थोड़ा जा समझाया जाए।